हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे बची हुई चाशनी से सूजी का ये डिलीशियस सा सॉक सा केक, जो कि इतना ज़्यादा टेस्टी है कि इसमें आपको मिठाई का भी टेस्ट आएगा और केक का भी टेस्ट आएगा। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत इजी, सिंपल, 2 से 3 चीज़ों से बनके तैयार हो जाता है। इसमें हमने ना ही घी का यूज़ किया, ना ही बटर का और ना ही ऑयल का। तो यहाँ पर देखिए, मैंने गुलाब जामुन बनाया था, उसकी चाशनी यहाँ पर बच गई थी, उसको मैंने यहाँ पर छन्नी से छान लिया है। और यहाँ पर मैंने देखिए आधा कप सूजी ले लिया है, और इसी आधे कप से आधा कप सूजी हम और लेंगे, यानी कि मैंने पूरा 1/4 कप सूजी यहाँ पे ले लिया है। और ये जो चाशनी हमारी 1 कप के करीब बची है, वो हम इसमें आधे से ज़्यादा डाल देंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे ताकि बाद में हम ज़रूरत पड़ेगा तो डालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें दूध डालेंगे, 2 से 3 चम्मच। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, फेटेंगे, क्योंकि सूजी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, और इसे फेट के हम रखेंगे तो ये सूखती बहुत तेज़ से। तो इसमें हम थोड़ा सा चाशनी और डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से, और इस तरीके से इसको फेट के हम साइड में रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। 1 घंटे के लिए मुझे रख देंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने केक टिन को अच्छे से ऑयल लगा ग्रीस कर लिया है। अब 1 घंटे बाद देखिए सूजी अच्छे से फूल चुकी है। इसमें मैंने थोड़ा सा नारियल का बुरादा भी मिला दिया था। तो देखिए ये बिल्कुल इस तरीके से हो चुका है। जो चाशनी बची है वो भी हम डाल लेंगे, क्योंकि बैटर सूखा लग रहा है। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच फ्रेश दही। दही से इसमें क्या होगा कि बहुत अच्छा सा ये फूलेगा केक हमारा। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप बेकिंग सोडा और 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर। तो मैंने उछ अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक बर्फ़ी ले लिया है, लाल बर्फ़ी जो होती है, लाल पेड़ा, उसे क्रश कर लिया है। उसमें मैंने बादाम और थोड़े से ग्रेचिकेटेड कोकोनट डाल दिए हैं। और यहाँ पे हम थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे ताकि ये बैटर हमारा बिल्कुल फ्लफी, अच्छा सा केक बनाने के लिए इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी सी हो जाए, बिल्कुल फ्लोई। इसे हम अच्छे से फेट लेंगे। मैंने इस केक में इनो का यूज़ नहीं किया है, आप भी ना करें तो बेहतर होगा। और देखिए अच्छे से केक का बैटर तैयार हो चुका है। अब हम इस ग्रीस किए हुए पैन में इस बैटर को डाल देंगे। इसमें मैंने कोई ऑयल का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि चाशनी में थोड़ा बहुत ऑयल तो रहता ही है। देखिए लेफ्टओवर चाशनी से कितनी अच्छी रेसिपी बनकर तैयार होगी। यहाँ पर देखिए, मैंने रेड बर्फी ले लिया है, इसे हम क्रश करके ऊपर से डाल देंगे ताकि जब ये केक बेक होगा तो ये मेल्ट हो जाएगा और बहुत ही सोनापन आ जाएगा। इसमें अलग ही टेस्ट आएगा इस केक का, बिल्कुल मिठाई की तरह। और देखिए, कढ़ाई को मैंने 7 से 8 मिनट तक तेज़ आंच पे प्री हीट कर लिया था। अब हम इसमें केक को रख देंगे और इसे 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे बेक करेंगे। 20 से 25 मिनट बाद हम चेक करेंगे। तो देखिए जी, सूजी का केक बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम इसे चाकू डाल के चेक करेंगे। तो ये देखिए, चाकू मैंने इंसर्ट किया है, बिल्कुल क्लीन निकला है, यानी कि केक हमारा अच्छे तरीके से पक चुका है, बेक हो चुका है। अब हम इसे 1/2 घंटे के लिए ठंडा होने रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा, कुछ तरीके से मैंने इसे ढक के रख दिया था। तो इसे हम डिमोल्ड करेंगे और देख सकते हैं केक बिल्कुल अच्छे तरीके से निकल चुका है। इतनी अच्छी जालियाँ आई हैं, अच्छे से कुक हो चुका है, और इतनी अच्छी इसमें खुशबू आ रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। तो इस केक को अब हम कट करेंगे। देख सकते हैं कितना सॉफ्ट केक बना है सूजी का, हेल्दी केक और भी बची हुई चाशनी से। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें अगर आपके पास बची हुई चाशनी है तो। नहीं भी है तो आप उसमें चीनी डाल सकते हैं। तो देखिए कितना सॉफ्ट, स्पॉन्जी, जालीदार केक सूजी का बन के तैयार है। इसे आप 1 हफ्ते तक रख के खा सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। टिफिन में दे, सुबह शाम चाय में भी खा सकते हैं, या कोई भी मेहमान है तो आप इसे दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा हमारा केक देखिए डिलीशियस से बन के तैयार है। तो एक बार तो इस केक को ट्राई करना बनता है, आप इसे ज़रूर से बनाएं। और देखिए ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी है, देखने से ही पता चल रहा है इसकी जालियाँ। सूजी का केक वैसे ही बहुत टेस्टी होता है। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा केक बन के तैयार हुआ है।